कबूल कर सकती है, इसमें हर्ज नहीं। इज्तिमाईत में आप नमाज़ पढ़ी तो फिर दुआ नहीं होंगी, सब अपनी अपनी इनफरादी करेंगी। आगे उन्होंने कहा, क्या नमाज के लिए नियत करना ज़रूरी है? क्योंकि नमाज में पूरी अरबी होती है, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं नियत उर्दू ज़बान में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि नमाज के लिए नियत करना चाहिए, हर अमल से पहले नियत करना चाहिए, लेकिन नियत दिल का इरादा है, उसके लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग नियत करते, मैं नियत करता हूँ चार रकात फ़र्ज ज़ोहर की वास्ते अल्लाह के पीछे, इस इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ है। अब सवाल ये, बग़ैर काबे की तरफ मुँह करे कि नमाज होती है क्या? जमात में है तो बग़ैर इमाम की नमाज होती है क्या? ये अल्फाज अदा करना क्यों है? ये बिदत है, याद रखिए। और एक अजीब बिदत, जो नमाज को भागते हुए भी आदमी आता और आकर वहाँ खड़ा रहता, मैं नियत करता चार कुछ तो भी चलते रहता, अपन यहाँ खड़े हुए वो डिस्टर्ब करते रहता बाजू से, वास्ते अलग में अल्लाह अकबर बिल्कुल आवाज़ करके एकदम मतलब आ गया मैं सफ़ के अंदर, फिर बांधता हूँ रकात। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर उम्मत में आ गई। बहुत से लोग रकात भी बांधते हैं अजीब अंदाज से, नियतें कर रहे हैं, रकात बांधने का भी तरीका पहले इसको छूते ही। हदीस में आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते तो हाथ कंधे से लेकर कानों तक उठाते, छूने के अल्फाज कहीं भी नहीं रिवायतों के अंदर, छूने का किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं छूने का। अच्छा, और हाथ सीधे क़िबले तरफ, तो बहुत से लोग यूँ शुरू करते, मतलब पीछे कोई हो तो उसको एक पढ़ जाना पीछे, और सामने कोई रहा तो उसको एक पढ़ती, बिल्कुल एकदम स्टाइलिश रहता हो नमाज को आए। अच्छा, एक होता ना एक अमल, एक आदमी रहता, उसको आप देखते हो कांच साफ़ करा, उसको एक आदत रहती कांच पानी मारा, और एक स्टाइल रहता कहाँ कहाँ से पता नहीं क्या। इसलिए कि हम ये चीज़ों को सीखते नहीं, नमाजों को, इनको इबादतों को, ये रिवायती उनको देखें ना, उन अब्बा ऐसा करे तो बच्चा वैसा करें, अब्बा नमाज में हाथ नहीं बांध रहे इसलिए उनके हाथ ख़राब है तो बच्चा भी नहीं बांधेंगे, क्यों तो अब्बा को नहीं देखा, ऐसा नहीं, सीखना है, सिखाना है, ठीक है। तो लिहाजा नियत के अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं है, और हर रुकन इस्लाम का अरबी में है। फिर नियत उर्दू में कैसा है? मैंने कई लोगों से पूछा जो कहते हैं नहीं नियत ज़रूरी है, मैं भी कहता हूँ नियत ज़रूरी है, नियत दिल का इरादा है, बोलते नहीं 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 अल्फाज भी। मैंने कहा अरबी में पढ़ के सुनाओ, बड़े बड़े मुफ्तियों से मेरा सवाल है, अरबी में पढ़ के सुनाओ नमाज की नियत, हर रुकन नमाज का अरबी में है ना, कोई अरबी उर्दू में चलता फारसी में चलता क्या नमाज में? नहीं। तो फिर करके बताओ इसकी नियत अरबी में, तो बोलते नहीं नहीं। अरे किसी ज़ईफ़ ने किसी फालतू हदीस से भी नहीं ला सकते आप, है ना, फालतू मतलब बेकार, फालतू होती ना एकदम बेकार मौजू, बत्तन सड़ी हुई एकदम, वो रिवायत से भी साबित नहीं है कि नियत का, नियत दिल का इरादा है, दिल में जो है बस ये आपके लिए काफ़ी है, इसके लिए अल्फाज अदा करना बिदत है, याद रखिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, लेफ़्ट टर्न लेना है, क्या नियत है आपकी? मैं नियत करता हूँ मेरी TVS सुजुकी को इधर टर्न लेने की, मुँह मेरा मिल के तरफ करते हैं आप, कोई पूछेंगे आपने कैसा किया ही? मैंने दिल में नियत की, दिल में जैसी आइडिया आया मैंने ले लिया, बोलना नहीं पड़ता। आप किसी मस्जिद में जा रहे हो, कोई बेचारा बहुत गरीब फकीर बैठा है, अब उसको आपको पैसे देना, कैसे नियत करते आप? मैं नियत करता हूँ वास्ते अल्लाह के कि इस फकीर को 100 रुपये दूंगा, गांधी का हरा नोट, मुँह मेरा तेरे तरफ है। अब वो फकीर छोड़ता आपको, बोलता नहीं अभी दे के जाओ, बाद में मेरे को जल्दी जाने का है। आप दिल में सोचते यार बहुत गरीब आदमी, आते वक्त पैसे दूंगा, फिर निकलते बाहर बस जेब में हाथ डालते रहते, ये है नियत, बोलना नहीं पड़ता। तो नमाज की नियत है, मैं इसका मुनकर नहीं हूँ, लेकिन अल्फाज नहीं है उसके, दिल का इरादा आपकी नियत है, ठीक है, वही आपके लिए काफ़ी है। किसी ने एक सवाल